वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे साथ है यानी मोना कौर के साथ है और आज मैं लेके आई हूँ हेयर टॉनिक, यानी ऐसा टॉनिक, ऐसा सिरप जो आपके बालों को शाइनी तो बनाएगा ही, साथ ही आपके हेयर को ग्रो करने का, ग्रो भी फास्ट करेगा, क्या बोले ग्रो करेगा। हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। घर के इंग्रेडिएंट्स है, DIY है जो मैं डेली यूज़ करती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस आपको लेके आती रहूँ, आपके लिए लेके आती रहूँ जो मैं ट्राई करती हूँ। चैलेंज है 14 डेज में अगर आपके बाल जो हेयर है उसका ट्रांसफॉर्मेशन ना हो गया तो नाम पलट देना। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि अब आपके हेयर में कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि उसका रिजोल्यूशन जल्द से जल्द मिल सके। तो ये मेरे बालों का रिव्यू है, बालों का रिव्यू क्या क्या बोले जा रही हूँ मैं। जो मैं सिरप लगाती हूँ वो मैंने बताया है, तो आप भी ट्राई कीजिए, और सिर्फ देखना ही नहीं है, ट्राई भी करना है, ताकि उसका बेस्ट रिजल्ट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को जल्दी ही। तो हम सिर्फ ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, कुछ 2 वीक का चैलेंज लिया है जो कि हमें कंप्लीट करना है, और आपके हेयर ग्रोथ, हेयर टेक्सचर आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट। तो हमें हेयर सिरप यानी टॉनिक बनाने के लिए क्या चाहिए? चाहिए एक ओनियन, 1 इंच अदरक और 3-4 जो कली होती है वो है लहसुन की, यानी ओनियन गार्लिक जिंजर। ओनियन गार्लिक जिंजर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ओनियन क्या करता है, यहाँ पर देखिए मैंने ओनियन को पील कर दिया है, उसी तरह से आप जिंजर को भी पील कर लीजिएगा और गार्लिक को भी पील कर लीजिएगा। तो पहले हम बात करते हैं ओनियन की। ओनियन में होता है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि आपके प्रीमैच्योर ग्रे हेयर को रिवर्स करने में हेल्प करता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज करता है, साथ ही आपकी जो हेयर ग्रोथ है उसे बढ़ाने में मदद करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जो कि आपके हेयर, आपके स्कैल्प में अगर कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को दूर रखता है और आपके हेयर को हेल्दी, स्मूथ बनाता है, शाइनी बनाता है। अगर हम बात करें गार्लिक की, तो गार्लिक जो करता है, गार्लिक होता है, उसमें होता है रिच मात्रा में विटामिन सी, जो कि बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का, और आपके हेयर को प्रमोट करता है हेल्दी करने में, आपके कोलेजन, जो कोलेजन का प्रोडक्शन होता है उसे बूस्ट करता है, ताकि आपके जो हेयर ग्रोथ है वो तेज हो सके। साथ ही इसके अंदर एक एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, जो कि आपके हेयर में, आपके स्कैल्प में अगर कोई जर्म्स है या बैक्टीरिया है तो उसे किल करने में, उसे मारने में रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके हेयर अगर डैमेज हो चुका है, यानी कि 2 मुंह है, बाल है, तो उसे रिपेयर बहुत जल्दी करता है। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें जिंजर की, तो ये आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, हेल्प करता है हेयर ग्रोथ में। आपके हेयर में अगर डैंड्रफ है, स्कैल्प में डैंड्रफ है, इची स्कैल्प है, तो उसे हटाता है। और साथ ही मैं बता दूं कि जिंजर में काफ़ी मात्रा में जो पाया जाता है वो कोलेजन बूस्ट करने प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, यानी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, जो कि डैंड्रफ को दूर रखने में बहुत हेल्प करता है। तो ये हो गए हमारे 3 इंग्रेडिएंट्स। इन्हें क्या करना है, हमें इसे पील करके इसे इसका अच्छा सा पेस्ट बनाना है। यदि आप पेस्ट बनाना चाहे तो ग्राइंड कर लीजिए, क्योंकि हमें ना पूरे पेस्ट की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ उसके जूस की ज़रूरत है। तो हमें इसका या तो आप ग्रेट कर लीजिए और उसे स्क्वीज कर लीजिए, तब भी जूस निकल आएगा। तो आप इन तीनों को पील करके ग्रेट कर लीजिए, तो जो जूस बनेगा, जो टॉनिक बनेगा, वो आपके हेयर में क्या चमत्कार करेगा, तो क्या बताए बाप, ठीक है। तो चलिए पेस्ट बनाते हैं और स्क्वीज करते हैं इसका जूस। ये देखिए, आप अपनी हेयर ग्रोथ के अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स ले सकते हैं। मैंने अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स ले सकते हैं। इस तरह से जूस निकल के आएगा, देखिए जूस आ गया है। तो
मैं यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया है पैराशूट ऑयल यानी कोकोनट ऑयल। आप कोई भी कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या आप कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने यूज़ किया है कोकोनट ऑयल। तो अब इसे क्या करना है हमें, ये हो गया है आपका हेयर टॉनिक, इसे लगाना है हफ्ते में 2 बार और इसे लगाना है 30 मिनट्स टू 1 आवर। आप जितनी देर रखना चाहते हो उतनी देर रख सकते हैं। उसके बाद इसे वॉश कर देना है माइल्ड शैम्पू से, अच्छे शैम्पू से, हर्बल शैम्पू से। अगर आप चाहें तो आप इसी पेस्ट के अंदर मुल्तानी मिट्टी मिलाकर पेस्ट बनाएं और बालों में लगाएं और 1 घंटे बाद आप इसे वॉश कर लीजिए। तो क्या होगा, शैम्पू की ज़रूरत भी नहीं होगी और बाल वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा हेयर टॉनिक, इसे ट्राई ज़रूर कीजिए, ये बेस्ट टॉनिक है, मैं भी यूज़ करती हूँ। तो हम डे 7 जो हमारा मैंने जो बताया है कि 14 डेज में यानी 2 वीक में आपका जो हेयर कट ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो मैं करके बताऊंगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर लो, अब तो मैं गारंटी ले रही हूँ कि आपके बाल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, शाइनी होंगे ही होंगे। क्योंकि मैं लेके आने वाली हूँ काफ़ी सारे ऐसे काफ़ी सारे मास्क, काफ़ी सारे सीरम, काफ़ी सारे DIY जो बोलते हैं ना, बूस्ट, जो आपके हेयर को बूस्ट करेगा, आपके हेयर को ग्रोथ करने में बूस्ट करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए यहाँ पर मैंने अप्लाई करके भी बता दिया है कि आपको जो टॉनिक है वो कैसे लगाना है। आपको लगाना है अपने स्कैल्प में, अच्छे से मसाज करनी है 10 to 15 मिनट। उसके बाद आपको 1 आवर तक रखना है, आप उसे 1 आवर के बाद आप इसे वॉश कर सकते हैं। अगर आप शैम्पू यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसी सिरप के अंदर आप मुल्तानी मिट्टी ऐड करके भी एक पैच की तरह बनाकर लगा सकते हैं और बाद में बिना शैम्पू के इसे वॉश कर दीजिए, तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैंने अप्लाई करके भी बता दिया, लेट्स सी रिजल्ट क्या होता है। तो आप भी ट्राई कीजिए, मैंने ट्राई किया है, काफ़ी हेयर लेंथ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। सो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।